भाई हम लोगों ने हिंदुस्तान पार्क देखा क्या, लाइटिंग वगैरह किया गया बहुत यूनिक तरीके का, हर कहीं पे नहीं दिखेगा आपको। 300 मीटर तो होगा, 300 मीटर दूर हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क की, अभी जा रहे हैं हम लोकेशन में जहाँ पे पंडाल है। भाई यही प्रॉब्लम होता है गाड़ी लेके निकलने में पूजा में, तो अभी जाता हूँ। सो है गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो भाई आज है ऑफिस जाने का दिन, और हाँ आज है सप्तमी, तो आप सभी को हैप्पी सप्तमी। तो आज निकलता हूँ मैं, आज ही अभी टाइम हो गया है आपका सुबह का 7:15, और मेरा कैब आ चुका है और आज मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। तो जी हाँ, आज मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, कल मेरा छुट्टी है, अष्टमी नवमी छुट्टी रहेगा 2 दिन। तो फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए और जाता हूँ। अब दिखाता हूँ नीचे मेरे यहाँ पे जो पैंडल हो रहा है, मेरे एरिया में जो पूजा हो रहा है उसमें भाई माँ की मूर्ति आ चुकी है, दुर्गा माँ की, तो वो भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ कैसा। ठीक है, तो फिलहाल निकलता हूँ बाहर। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिलहाल मैं जल्द से जल्द निकलता हूँ। कैब ड्राइवर भी मुझे फोन कर दिया था, कैब ड्राइवर वाला अंकल, तो वो भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो जाता हूँ फिलहाल नीचे और आपको वो दिखाता हूँ भी कैसा है वो। ठीक है, मेरा एरिया का जो है मूर्ति कैसा, पैंडल भी कैसा बना है। ठीक है, तो जाता हूँ नीचे और नीचे से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये देखो मेरी एरिया का ये पैंडल और मूर्ति, देखिए ये आ गया। पूजा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पूजा होगा आई थिंक आज एक होने वाला है और कल तो अष्टमी का पूजा होगा ही। तो जी हाँ, और फिर कैब भी आ चुका है ऑलरेडी, मैं जाता हूँ फटाफट। वो लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं इतना लेट हो गया है, सुबह सुबह ब्लॉगिंग करते करते आ रहे हैं। तो फटाफट कैब में चढ़ता हूँ, ऑफिस से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है भाई, आ गया ऑफिस के इधर। भाई पूरा खाली है भाई, आज सब कुछ बंद है, सब कुछ भाई। पूजा का टाइम है, सारा दुकान बंद है, कोई भी एक दुकान खुला हुआ नहीं है। ये देखिए भाई, यहाँ पे भी बारिश हुआ था लग रहा है, सारा दुकान खाली है, पूरा रास्ता खाली है। अभी फिलहाल आ गया हूँ, अभी कितना टाइम बचा है, अभी 7:45 हो गया है। अभी फिलहाल जाता हूँ ऊपर, ऊपर जाता हूँ ऑफिस कंटिन्यू करता हूँ, मतलब ऑफिस जाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ डायरेक्ट ऑफिस से, तब कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है भाई, पूरा माहौल खाली है यहाँ पे, सब कुछ खाली, दुकान वुकान सब बंद है। अभी जाता हूँ ऊपर, जाता हूँ ऑफिस से निकलते ही, तब कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो भाई अभी मैं निकल गया ऑफिस से, अभी टाइम हो गया 5:30। जी हाँ, 5:30 से मैं ऑफिस से निकल गया, अभी जाता हूँ बस पकड़ता हूँ, निकलता हूँ फटाफट यहाँ से। और आज संडे है एज यूजुअल, तो खाली रहने वाला, पूरा देख सकते हैं सामने पूरा खाली है, मेरे इधर भी पीछे भी पूरा खाली है। तो फिलहाल अभी जाता हूँ आगे, बस पकड़ता हूँ, निकलता हूँ। हाँ, मेरे हाथ पे थोड़ा ये नमकीन नहीं आता, कुछ चटपटा, बहुत भूख लगा था, घर जाकर लंच भी करना है। तो फिलहाल जाता हूँ यहाँ से, बस पकड़ता हूँ और फटाफट घर जाकर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बस स्टैंड तो आ गया, लेकिन भाई एक भी इंसान नहीं दिखता यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा लाइन लगता है। लेकिन अभी सामने एक भी कोई आदमी खड़ा नहीं है बस में लाइन देने के लिए। भाई पता नहीं बस चलेगा कि नहीं, यहाँ संडे करके मैं पहले कभी आया नहीं, एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ सामने से। ये देखो भाई पूरा खाली है यहाँ पे, लास्ट डे मैंने दिखाया था यहाँ पे लोग लाइन देते हैं भाई। आई थिंक यहाँ पे बस नहीं चलेगा, एक बार पूछ लीजिए। सप्तशी दाए मेरे साथ आगे ये जा रहे हैं, तो एक बार पूछ के देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। भाई पूरा बस खाली है, और हम लोग को उधर तो एक दिन छोड़ छोड़ के बस चल रहा है अभी उस रूट में, मैं पूछना जरूर। भाई पूरा खाली है देखो, ये देखो भाई पूरा खाली है। ये जाएगा ये वाला 6 बजे, भाई बच गया भाई, हमसे नहीं निकलने वाला। देखो पूरा बस खाली है, हम लोग तो आज बस पे पूरा आराम से बैठ के जाएंगे, सब तो सीधा पूरा खाली है। ये देखो भाई, ओ भाई बस ऐसा ही बस मिलना चाहिए हर जगह, ओह ऐसे ही ट्रैवलिंग करना चाहिए भाई। पूरा बस खाली है, देखो बस चला ले, हम भी बैठ के बस चला लेते हैं भाई, पूरा खाली बस। बस आज तो मौज ही आ गया, एक ऐसा जगह पे बैठे जहाँ पे हवा आएगा। तो फिलहाल कुछ प्लान है नहीं, अगर बनता है तो सप्तशी और मैं निकल जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल बैठता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ बस कितना देर में, 6 बजे तक निकल जाएगा अभी, बस 5:45 थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद घर पहुँच के या नहीं तो कहीं पे निकलता हूँ, तो वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। भाई ऑफिस से निकलने के बाद अभी टाइम हुआ है मेरा ब्लॉग शूट करने का, अभी टाइम हो चुका है आपका यही 11:20, और अभी मैं निकला हूँ अमित भैया के साथ। जी हाँ, देख सकते हैं पूरा एकदम तैयार हो गए हम लोग, आज थोड़ा रात में घूमने वाले, पेट्रोल खत्म हो गया, यही कस्बा के जहाँ मैं कल ब्लॉग में आप लोग दिखाया था वही वाला जगह पे आ गया फिर से अमित भैया के साथ। अमित भैया इधर इधर
अभी तो सामने नहीं आना चाहते फिलहाल। तो जी हाँ, इधर को देख सकते हैं एकदम ड्रेसअप करके, बहुत भीड़ है देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल भरते हैं और देखते हैं इस एरिया का जो भी है सामने आजू बाजू का चार पांच देख लेंगे, उसके बाद तो रात में डिनर करने का प्लान है, तो देखते कितना सक्सेसफुल होता है। अभी भाई बहुत भीड़ है, ये देखिए सामने देखिए, ये वाला जो है मैंने कल कवर किया था, ये 11:20 है और देखिए कितना भीड़ है भाई, बहुत भीड़ होने वाला है। फिलहाल पेट्रोल भराता हूँ, मतलब भरवाता हूँ और निकलता हूँ जल्द से जल्द यहाँ से, ठीक है। अभी भाई अच्छा घूमने वाले हैं आज बाइक में भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई। घूमने का मतलब मैंने उस दिन बताया था कि बाइक से और उससे घूमने का, गाड़ी से घूमने का बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो बात भी सही है लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट भी होता है। तो फिलहाल देखता हूँ पेट्रोल भराता हूँ और निकलता हूँ जल्द से जल्द, भाई लाइन बहुत ज़्यादा है, देखो पेट्रोल भराता हूँ और जल्द से जल्द निकलता हूँ। अमित भैया हाय, अमित भैया का एक्सप्रेशन बस थम हाय, मतलब वो थम्स अप वाला, थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है ना। तो फिलहाल पेट्रोल भराता हूँ और जल्द से जल्द निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई। आज थोड़ा खाली लग रहा है, ये कल आए थे अमित भैया पता है, कल उस दिन आए थे एक दिन पहले को, उस दिन भाई बहुत ज़्यादा भीड़ था, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था इतना। अभी रात हो गया ना, अभी 11:20 हो गया और आज थोड़ा भीड़ कम है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ज़्यादा कम है भीड़, आज अच्छे से देख पाएंगे भाई। उस दिन पसीना पसीना हो गया था, इतना ज़्यादा भीड़ था। ये तो आप लोगों को दिखा दिया, दूसरा जगह पर दिखाता हूँ अभी, ठीक क्या दिखाऊंगा ये देखिए, ऑलरेडी मैंने दिखाया था ये वाला। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। भाई यहाँ पे भीड़ थोड़ा हल्का है भाई, सही लग रहा है अभी, उस दिन भाई बहुत ज्यादा भीड़ था, अभी सही लग रहा है भाई घूम के। अभी निकलता हूँ यहाँ से, देखता हूँ दूसरा कौन सा पैंडल में जाता हूँ, अभी वो वाला दिखाता हूँ आपको। फिलहाल थोड़ा भूख लगा है तो मैं कुछ नहीं खाने वाला, थोड़ा भूख लगा है तो अभी ले रहे ये घुगनी वगैरह, कुछ बताइए कैसा लग रहा है खाना। मैं तो कुछ नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि मैं खा के निकला था भाई, बहुत आवाज़ हो रहा है। निकलता हूँ दूसरी जगह जाके, कंटिन्यू करता हूँ भाई, बहुत आवाज़ है। ये देखो 10 का है ना, ये आगे देखिए कैसा है, कैसा है, अच्छा लग रहा है ना, खाइए आप। अभी देखो थोड़ा भूख लगा था बहुत तेज, तो हल्का फुल्का खाना था तो वही खा रहे, आगे भी निकल जाएंगे। भाई पूजा के टाइम में यही प्रॉब्लम है कि गाड़ी कहाँ रखे भाई, पैंडल है बहुत दूर, कितना मीटर होगा फिर भी यहाँ से, 10 मीटर नहीं, भाई अराउंड 300 मीटर तो होगा, 300 मीटर दूर हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क की, अभी जा रहे हैं हम लोकेशन में जहाँ पे पैंडल है भाई। यही प्रॉब्लम होता है गाड़ी लेके निकलने में पूजा में, तो अभी जाता हूँ पैंडल के उधर, वहाँ जाके कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ का लाइटिंग देखो भाई, यहाँ का लाइटिंग बहुत ही बढ़िया है, क्या भाई ये मेन अट्रैक्शन रहता है इनका, बहुत ही अच्छे से लाइटिंग करते हैं, पैंडल का जो थीम रहता है वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है भाई। लाइटिंग का अपने शॉट्स एंजॉय किया, और एक बार देख लीजिए दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है लाइटिंग, देखो चारों तरफ लाइटिंग भाई, सब लोग यही पे आके यही का इसी का फोटो खींच रहे हैं, मेन अट्रैक्शन तो वहाँ है दुर्गा माँ की मूर्ति, वो भाई बहुत ही बढ़िया पैंडल यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ का देखिए और भी बहुत सारे, ये देखिए इतने सारे यहाँ पे जो है लाइटिंग वगैरह किया गया, बहुत ही यूनिक तरीके का, मतलब हर कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, फिर यहीं पे दिखेगा, और भी जगह है लेकिन उनमें कुछ अलग अलग स्टाइल है, इसका कुछ यूनिक सा स्टाइल है। तो आगे देखिए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जाता हूँ सामने से आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने हिंदुस्तान पार्क देखा, अभी वही पार है तो उसमें बहुत जाना पड़ेगा, वो भी बहुत अंदर है भाई, ये वाला कवर करते करते हालत टाइट हो गई हम लोग का, इतना ज़्यादा भीड़ था। देखता हूँ वो भी जाता हूँ कि नहीं, वो वाला कौन सा है अमित भैया, ये साइड वाला,
एक डालिया ये तो एक डालिया जो आप बोल रहे हैं अभी। हिंदुस्तान पार्क कितना दूर है यहाँ से? मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, अबाउट 200 मीटर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत भीड़ होने वाला है। ठीक है आएंगे तो चलिए घूम के आते हैं, इसी बार है तो चलिए वो वाला भी घूम के आते हैं। हिंदुस्तान पार्क तो ये वाला था जो दिखाया भाई, बहुत ही अच्छा थीम है भाई, बहुत देख के तो भाई मन भर गया मेरा, इतना अच्छा अच्छा रहता है कोलकाता में। अगर आप नहीं आए कभी दुर्गा पूजा के टाइम में, या कभी भी नहीं आए तो दुर्गा पूजा के टाइम में भाई ज़रूर से आइएगा, इतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इतना अच्छा अच्छा पूजा पंडाल बनाया जाता है, मंडप रहता है, माँ का मूर्ति इतना अच्छे तरीके से बनाया जाता है, इतना अच्छा अच्छा थीम बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया है। तो फिलहाल अभी जाता हूँ उस तरफ, ये मैंने हिंदुस्तान देखा, अभी जाऊँगा उस तरफ, वो वाला चेक देख के बताता हूँ वो वाला कैसे है भाई। बहुत भीड़ है भाई वो वाला, वहाँ पर जाके कंटिन्यू करता हूँ, बहुत ज़्यादा भाई। ये वाला जो थीम है थोड़ा अलग है, ये वाला ना अपना एकदम जो है क्या बोलते हैं टेलर जो स्टिचिंग वगैरह करता है उसका जैसा बनाया गया भाई। देखिए बहुत ही बढ़िया, ऊपर देखिए पूरा जो सुई धागा रहता है उसके तरीके से बनाया गया, ऊपर देखिए भाई बहुत ही अच्छा बनाया है। मूर्ति जो है वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखो साइड में देखो सारा जो स्टिचिंग मशीन है वो सारा रखा गया है यहाँ पे भाई। ये वाला थीम तो बढ़िया लग रहा है, ये वाला है एक डालिया वाला, ये आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत अच्छा बन रहा था लेकिन वो वाला ज्यादा बढ़िया था। ये वाला भी दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई पैंडल तो देख के मजा आ गया, लेकिन लास्ट में उतना कुछ खास नहीं था ना, लास्ट वाला से ज्यादा अच्छा पहले का वाले। वो की बोले थे ये खाने के जीते जाते समय लागो बोले थे बनाने के लिए, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में एक बार बता देते हैं कि वो बना के रेडी रख ले तो फिर हम ले लेते हैं जाके, देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल फ़ोन करते हैं, अभी तो बहुत लेट हो गया यार, रात का 1:10 हो चुका है, तो फिलहाल अभी निकलता हूँ यहाँ से। और हमारे उधर ही एक किचन है डेंजोंग किचन बोल के, बहुत ही अच्छा भाई चाइनीज़ खाना बनाता है, तो उसमें मैं बोल के एक बार ऑर्डर करवा लेता हूँ जो लेना है नहीं लेना है। ठीक है पहले ऑर्डर दे देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, दुकान से पिकअप करता हूँ वहाँ से मिलता हूँ भाई। बहुत रश है भाई रास्ते में, और ये हमारा जो बाइक रखा हुआ था वो आगे रखा हुआ है, इतना पूरा घूम के आगे गाड़ी हट और यहाँ पे रखा है गाड़ी, तो फिलहाल गाड़ी उठाता हूँ और जाता हूँ जल्द से। भाई आगे डेंजोंग में देखते हैं क्या ऑर्डर करना है क्या है। ये मेरे एरिया का भाई बेस्ट वाला डेंजोंग किचन है, मतलब ये रेस्टोरेंट है भाई बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। भाई प्राइस भी देखो भाई कितना रीजनेबल प्राइस मिल रही है, क्या क्या लेना है बोलिए। है ड्रम्स ऑफ हेवन प्राइस में कुछ लेना है राइस वगैरह प्राइस वगैरह देख लीजिए यार बहुत मिक्स नहीं लेना है, नहीं मिक्स मत लीजिए मिक्स, वही तो चिकन ले लेंगे तो मिक्स में क्या फ़ायदा है, एक वाला ही ले लीजिए और देखिए कुछ नूडल्स। हाँ नहीं नूडल्स मत देखिए, राइस नहीं देखिए भाई, राइस नहीं भाई, देखता हूँ कुछ जो लेता हूँ क्या ऑर्डर करता हूँ उसके बाद दिखा जाएगा। भाई अभी जस्ट घर पहुँचा मैंने, वो वहाँ पे जो हम लोग ने डिनर किया ना, डिनर करने के बाद मुझे कुछ मन नहीं हुआ शूट करने का, क्योंकि जो मैं खाता हूँ वहाँ पे वैसा क्वालिटी मुझे मिला नहीं। आई थिंक पूजा के टाइम पे है इसीलिए बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मैं, शायद 4 महीने बाद वहाँ पे फिर से जाके खा रहा हूँ। इससे पहले भाई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, क्वांटिटी खा के भाई 2 आदमी का 2 आइटम लेके तो पूरा पेट फुल हो जाता था, वो भी ज़्यादा हो जाता था। अभी तो हम लोगों ने 3 आइटम लिया था, हम लोगों ने वहाँ पर लिया था आपका वो है ड्रैगन चिकन, और आपका लिया था चिकन ड्रमस्टिक, और एक फ्राइड राइस लिया था मिक्स फ्राइड राइस। भाई बहुत क्वांटिटी कम था लेकिन खा के मज़ा नहीं आया, हम लोग पहले जब लेते थे बहुत ज़्यादा देता था, इसलिए मैंने कुछ शूट करने का मन नहीं हुआ।
फिलहाल हम लोग वहाँ पे खा के अभी आ चुका है डिनर करके, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि घूम के पूरा हालत खराब हो चुका है। इतना ज़्यादा भीड़ था ना, जितना ज़्यादा घूम के ना मजा आया, भीड़ ने हालत खराब कर दिया भाई। तो जी हाँ, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करो, और कमेंट करके जरूर से बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल वाले वीडियो में, बाय बाय।